अजीत वर्सेस देवेंद्र है ना, अजीत वर्सेस देवेंद्र। गुरुजी नासिर के हो गए कुछ किया? नासिर के हो गए ना। अच्छा हेलो, टाइम चल रहा है, चल रहा है टाइम। अरे छुट्टी वाले टाइम चल रहा है। रामराज टेम मारिए। कोई नहीं भाई। रक्षण। चलो 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 चलो। देर तक लगो। यदि आवाज को सुन रहे हो तो कृपया एक बार मैट के नजदीक आ जाए। रमेश पहलवान जी, सेक्रेटरी जनरल एमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन दिल्ली, एक बार मैट के नजदीक आ जाए। अपना टेक मार के ले गए, अब लगे दो और जीरो का। बलराज छत्रसाल और सुमित राजकुमार गोस्वामी, और इसके बाद 86 किलोग्राम के पहलवान तैयार रहेंगे। गौरव गौरव हनुमान, अमित कुमार छत्रसाल स्टेडियम। तरुण छत्रसाल स्टेडियम, उंगली और पवन और दया छत्रसाल स्टेडियम। और जो ये 74 किलो की है ना अजीत, जो जीतेगा वो फाइनल में। देवेंद्र एक बार रखो, अपना काम करा कर, तू जो करा कर। लगो आगे, तेरे काम पर चले। अरे तू लगेगा तभी तो पॉइंट मिलेगा। ओए देवेंद्र, अपना एक टेक मार के देख। अरे मार है बड़ा अगरिया थाने साइड में, तार के साइड में तो अपना उतनी रजिस्टर दिखता है साइड में तो अपना। अगर देवेंद्र बॉस अभी तो मैं घर पहुंच गया, अगर मैं बाहर है। अरे लगेगा तभी तो पॉइंट मिलेगा। साइज कर रहा है, रात तक देख। 1.5 घंटा तो लगेगा। हां शाबाश, चले दो पॉइंट बन रहे हैं। साइड का टैग, साइड का काम है ना। आपको चाहिए? चलो बस अभी तो फिलहाल तो मैं स्कोर है 2-0 का स्कोर है। लाल के दो और दो रहो भाई, दो रेस्ट टाइम में कोच साहब एक ने भेज दो, एक को वापस कर दो या कोच साहब आप। पता नहीं भैया, अब आप लोग ही देते हो, आप लोग किसी को खराब बताते हो, सही बताते हो ना। आप ही का बंदा दी तो आप ही ने होगी, आप लोगों ने। अरे लग ले, तो वही तो बता रहा हूँ मैं। पहले तो आप लोग कोई भी आप कोई आपको पुलिस कोई नहीं, तो पहले बोलते ये होगा वो होगा ऐसे होगा वैसे होगा। 1 point red। हाँ, इसको बंद कर दीजिए। और तीन होगा उसको, अगर मैं उसको बंद करा दूँ और उसके कुछ और करा दूँ सर। अरे चल अपना टेक मारे में टंगा में। अरे देवेंद्र 50,000 जो 50,000 वाली है ना। अरे मत, अरे लगे
अंदर क्यों ना घुस रहा है? अंदर नजदीक जाना पड़ेगा भाई। हेलो, हमारे अंबर भाई, अशोक भाई और मनिंदर भाई के साथ जितने भी हमारे युवा पहलवान आए हैं, इस कुश्ती के बाद मंच पर आ जाएं और उनका हार्दिक अभिनंदन किया जाएगा। अंबर भाई, अशोक भाई और मनिंदर भाई के साथ जितने भी हमारे युवा पहलवान ये साइड में खड़े हैं, वो तैयार रहे मंच पर। अगली कुश्ती का जो शुभारंभ है वो उन्हीं के द्वारा किया जाएगा, उन्हीं का हार्दिक अभिनंदन करके किया जाएगा। जैसा कि आप सबको मालूम है, ये दंगल दिल्ली एमच्योर रेसलिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस दंगल का आयोजन हमारे एसोसिएशन, हमारे कुश्ती संघ के अध्यक्ष श्री जयप्रकाश पहलवान जी, जनरल सेक्रेटरी रमेश पहलवान जी जो हमारे बीच उपस्थित भी हैं, उनके द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। हर साल की बात है, बहुत ही अच्छा। और हमारे खिलाड़ियों को